गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। टुडे दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 4, दैट इज अनकन्वेंशनल मशीनिंग। नाउ द लास्ट टॉपिक इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मशीनिंग मशीन सरफेस एंड टूल। सो कैसे हम टूल की सरफेस को, टूल को और मशीन सरफेस को कैसे हम टेस्ट करते हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, टेस्टिंग और एवेल्युएटिंग मटेरियल्स कंपोनेंट्स और असेंबलाइज फॉर डिसकंटिन्यूटीज और डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सर्विसेबिलिटी ऑफ द पार्ट और द सिस्टम। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग उस टाइप की टेस्टिंग है जिसके अंदर हम किसी सरफेस को या किसी टूल को टेस्ट करते हैं, बट वो टेस्ट इस तरह से होता है कि उस सरफेस को या टूल को हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, टूल या सरफेस अभी भी मेंटेन रहता है। अगर हम ऐसी कोई टेस्टिंग करते हैं तो उस टेस्टिंग को हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव, जिसके अंदर हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करते। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स चेकिंग टेस्टिंग। इन अदर वर्ड्स, व्हेन इंस्पेक्ट और टेस्ट इज कम्प्लीटेड द पार्ट कैन स्टिल बी यूज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो जो भी कंपोनेंट या सरफेस हमारे पास यहाँ पर रहती है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इन कॉन्स्टेंट टू NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, अदर टेस्ट आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड आर देयरफॉर डन ऑन अ limited number of samples, lot of sampling rather than on the materials component or assemblies actually being put in to service। तो बहुत सारे अलग जो टेस्टेज हैं उसके अंदर हम जो टेस्टिंग करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रहती है। उसके बाद हम टेस्ट पीस को या वर्क पीस को, टूल को, मशीन सर्फेस को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। दीज डिस्ट्रक्टिव टेस्ट are often used to determine the physical properties of materials such as impact, resistance, ductility, yield and ultimate tensile strength, fracture toughness and fatigue strength, but discontinuities and differences in material characteristics are more effectively found by NDT. The advantages of non-destructive testing over other methods is that the material or the component being tested, for example a pipe weld, can still be utilized after testing in the testing is completed। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मान लेते अगर हम किसी पाइप की वेल्ड की टेस्टिंग करते हैं तो हम दोबारा से उस पाइप को यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर टेस्टिंग के बाद भी रीयूज कर सकते हैं। वाइल non-destructive testing is most commonly utilized in the industrial sector to test metal materials such as oil or oil and gas pipelines and various metal machinery components, it also has application in everything from engineering to medicine and various science fields. However, for the purpose of this discussion we will focus on the industrial application of non-destructive testing. सो ऑयल गैस कंपनीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑयल और गैसेस कंपनीज ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ करती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। अब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कौन कौन सी है, तो सबसे पहले जो टेस्टिंग है दैट इज़ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक दैट यूटिलाइज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव टू डिटेक्ट इम्परफेक्शन इन मेटल मटीरियल्स एज वेल एज चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज विद द मटीरियल दैट कुड कॉज प्रॉब्लम और फेलियर टू द कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम साउंड वेव्स के थ्रू टेस्टिंग करते हैं, दैट कैन बी कंसिडर एज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। नाउ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो एक और टेस्टिंग है हमारे पास, दैट इज रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक यूटिलाइजेज एक्सरेज और रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू टेस्ट द मटीरियल्स। तो ये कैसे काम करता है, तो हम यहाँ पर एक्सरेज का यूज़ करते हैं, विच इज़ मच द सेम वे दैट डॉक्टर्स एनालाइज द एक्सरे इमेजेस टेकन ऑफ देयर पेशेंट। जैसे हम पेशेंट्स जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर पेशेंट्स का एक्सरे करते हैं,
वैसे हम यहाँ पर टेस्टिंग अगर करते हैं तो वो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग कहलाती है। देन द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, इज अगेन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यूटिलाइजेज टू डिटेक्ट सच एज क्रैक्स एट और नियर द सरफेस ऑफ द मेटल। तो सरफेस पर अगर हम टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक यूटिलाइजेज द मैग्नेटिक फील्ड कम्बाइंड विद द एप्लीकेशन ऑफ फाइन मैग्नेटिक पार्टिकल्स सिमिलर टू आयरन शेविंग टू रिवील डिटेक्ट्स। तो डिटेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स का अगर यूज़ करते हैं तो ये टेस्टिंग कहलाती है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग, इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वेयर द मटीरियल बींग टेस्टेड इज कोटेड विद अ लिक्विड डाई सॉल्यूशन। समटाइम्स फ्लोरोसेंट डाई इज यूज, द डाई इज देन रिमूव्ड एंड द डेवलपर इज अप्लाइड विच एक्ट्स टू ड्रॉ द डाई आउट ऑफ एनी डिफेक्ट्स प्रेजेंट्स, अलाउ द डिफेक्ट्स टू बी सीन इजीली। तो दिस इज द लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग, जिसमें हम लिक्विड का यूज़ करते हैं। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स आर पर्टिकुलरली यूज इन द इंडस्ट्री सेक्टर एज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू एवेल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ मेटल मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट। इन मैनी इंस्टेंस ओल्डर मटीरियल्स एंड बॉन्डिंग मेथड्स आर स्टिल इन एक्टिव यूज। तो ये कुछ मेथड्स थी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की है, जो हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और ओल्ड मेथड्स भी हैं जो यूज़ की जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। आज के लेक्चर में हमने कवर किया फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, NDT, लेक्चर नंबर 45। और हमने देखा कि कौन कौन सी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का सबसे बड़ी पहचान है कि हम यहाँ पर किसी भी वर्क पीस को, मशीन सरफेस को या टूल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसको वैसे ही रह करके, उसकी प्रॉपर्टीज़ को वैसे ही रख करके हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये जो टेस्टिंग है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहलाती है। और इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।